से रोककर। किसने? वो अनुजा ने। अच्छा, वो उससे तो सारी गेम खराब हो गई थी। अच्छा, उसे वो वर्धा को बेची है। अच्छा, यानी को बाई मिस्टेक ली है, नहीं इसको भी नहीं पता चला कि लाइट फाड़ ली थी। अच्छा, उसकी ना तो मैंने प्लान भी कर लिया। अच्छा, अभी किधर, अभी तो देखना मैंने के साथ करता क्या गया हो। हाँ। मुझे रात को पड़ा, रात को भी बोल रहे थे नैना के बारे में, मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ। मैं खामोश रहा। हाँ। मैं तो यहाँ क्या जा रही हूँ, मैंने कहा मैं उससे कितनी बात जा रहा हूँ कि नैना मैं एकदम ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो ये वाली जो क्लिप मैं आगे लगाने वाली हूँ ना, उसको गौर से पढ़ना। इसको कहते हैं कि किसी को दगा देना, ठीक है? और एक और है, मुहावरा है कि दगा किसी का सगा नहीं होता, नहीं किया है तो करके देख। तो इसने ना नैना के साथ में किया दगा, इसने नैना का पहले भरोसा जीता, उसके बाद में उसकी कॉल रिकॉर्डिंगें की, और जितनी मतलब इसको यूज़ करने वाली रिकॉर्डिंग थी ना, इसने उतनी ही यूज़ की। आगे पीछे जो बातें हुई ना, वो चीज़ें इसने यूज़ नहीं की। और वो मैं आगे क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देखना। और जब नैना ने ये वाली जो बातें की थी ना, ये रिकॉर्डिंग वही टाइम से हमारे पास में पड़ी हुई है, लेकिन हमने नहीं लगाई और ना ही तो हम लगाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अब ये नैना की वॉइसें लगा लगा के नैना को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने सोचा कि हम भी लगा देते हैं ना, कि आगे पीछे क्या बातें हुई है वो भी तो पब्लिक को जानना ज़रूरी है, कि नैना ने क्या कहा क्या नहीं कहा। और ये जो बीच बीच की बातें हैं ना, ये उठा उठा के ये लगाता है। मतलब एक तरह से कहूँ ना तो ये नैना का भाई बना, नैना के लिए एक आध वीडियो डाल के उसका भरोसा जीता और उसके बाद में उसको धोखा दिया। तो आप लोग ये सोचो कि जब ये नैना के साथ में किया तो सितारा के साथ में ये क्या नहीं कर रहा होगा। नैना के लिए एक वीडियो बनाया तो उसके वो इस तरह से यूज़ कर रहा है, तो सितारा के लिए तो इतनी सारी वीडियोज़ बनाया है तो उसको किस तरह से यूज़ कर रहा होगा, आप लोग खुद सोचे। और एक बात ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि गुच्चू क्यों हाथ जोड़ जोड़ के मना कर रहा है कि हमारे लिए वीडियो मत बनाओ, हमें सपोर्ट मत करो। सोचो ये बैक कैमरा क्या कर रहा होगा ऐसा जो गुच्चू को हाथ जोड़ना पड़ा। अच्छा, आगे थोड़ी सी वॉइस सुनिए आप लोग, फिर हम बात करते हैं। जी, अब मुझे तुम पे गुस्सा पड़ा है, मैं इसीलिए मैंने गुस्सा पी जाता हूँ, जिसको बैक बोल दिया उसके साथ मैं खामोश हो जाता हूँ। जी, मैं ज्यादा से ज्यादा खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। जी, यानी नैना तुमने बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है सितारा के खिलाफ। अच्छा, इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनी आप लोगों ने कि मैंने जिसको बहन बोल दिया फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बहन की इज्जत रखता हूँ। तो सोचो इसने सितारा को भी बहन बुलाए पीठ पीछे, भले ही नियत बेडरूम में जाने की है लेकिन पब्लिक के सामने तो बहन बुलाए ना, तो जो लोग पब्लिक जो सितारा को सपोर्ट करती है ना, तो थोड़ा सोचो जब नैना को बहन बोल के नैना का यूज़ कर रहा है, तो सितारा को बहन बोल के क्या सितारा का यूज़ नहीं कर रहा होगा। सितारा को बहन बोल दिया इसका मतलब क्या, सितारा उसकी माँ के पेट से निकली हुई है? अरे भाई, थोड़ी अपनी आंखें खोलो और समझो कि सितारा को तो और अच्छे से यूज़ करेगा वो, क्योंकि सितारा तो कॉल गर्ल है, सितारा को तो ये होटलों में ले जाने के चक्कर में है। नैना ने इजाजत दे दी है। हाँ। कि आप शहजाद भाई को सब कुछ दे दें और मैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या मसला होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अल्लाह कसम, मैंने सादिया को कुछ नहीं दिया, वो असल में सादिया के पास कुछ होगा और सादिया उसका नाम नहीं लेना चाह रही, सादिया मेरा नाम करके उसका नाम चुपा के तो वो आपको दिलवा रही है। मैं कुरान की कसम खा के कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सितारा के खिलाफ, वो अपनी तरफ से अगर आपको इसे भिजवा रही है मेरा नाम करके, तो वो आप अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लें। कसम खुदा कि मेरे पास होता आपने मेरे इतना बड़ा स्टैंड लिया, मैं आपको आपसे कभी नहीं छुपा दे, बस सच में कुछ नहीं था। हमने बस सभी फैमिली को एक करना है, मैंने ये जो भी कर रहा था ना, देखो ये YouTube के ऊपर कोई भी नहीं लगा था। सुना आप लोगों ने किस तरह से सितारा बहन के प्रूफ मांग रहा है? आप लोग ये देखिए कि ये अगर उसको बहन बोलता है तो ये उसकी गंदी गंदी वीडियो पिक्चरें क्यों मांग रहा है, ये प्रूफ क्यों मांग रहा है, ये बताइए आप लोग। सोचने वाली बात है ना कि अगर इसको सितारा को ब्लैकमेल नहीं करना होता तो ये इससे उससे सितारा के प्रूफ मांगता नहीं ना, इसे है ना सितारा को करना है ब्लैकमेल।
इसके लिए ना ये सभी से सितारा के गंदे गंदे प्रूफ मांग रहा है, और ये चीज करने के लिए ना ये असगर भाई के पास भी आया था, और ये तो बल्कि सऊदी जाने को तैयार था कि मुझे सितारा की गंदी गंदी वीडियो दिखाओ, सितारा के गंदे गंदे प्रूफ दो ताकि ये अच्छे से उसे ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, और इसकी बीवी जो है उसकी आवाज सुनी पीछे से, कितना अच्छे से दोनों जने गेम खेल रहे हैं ना, कि हमें ना फैमिली को एक करना है, हमें प्रूफ दे दो, हमें प्रूफ दे दो ताकि हमें ना फैमिली को एक कर सके। वाह भाई वाह, बड़े ही ज्यादा तुम लोग फ्लॉप एक्टर हो। और जो भी इतने नैना के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि नैना प्रूफ बांट रही है, नैना फोटोज वीडियोज बांट रही है, जैसे कि इसने अभी अभी की वीडियो में भी कहा है अपनी, तो देख लिया नैना ने क्या कहा कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, देख कोई और आया है और नाम अगर नैना का लगाने चाहते है तो वो अलग बात है, और वो अलग गेम भी जो पूरा है ना कि मेरे पास में प्रूफ आ रहे हैं, उसने कहा है नैना को दे, नैना ने कहा है कि दे दो ये वो सारी बातें भी झूठी, कोई भी इसको प्रूफ नहीं दे रहा था, और सिर्फ ये नैना का नाम इसके लिए डालना चाहता है क्योंकि नैना और शाहरुख है ना मेन है, जो रात को नैना ने बच्चों को संभाली थी और शाहरुख गया था सितारा को छोड़ने के लिए, और ये जो डॉग है ना इसने ये बात भी आप लोगों को याद होगा कि इसने अपनी वीडियो में ना ये बात भी कही है कि एजाज को ना सितारा ने बंद कमरे में थप्पड़ मारा, और फिर ये कहता है कि एजाज को लेके इन लोग सितारा को बदनाम कर रहे हैं। तो भाई बंद कमरे में एजाज के साथ में सितारा क्या कर रही थी? अगर एजाज का और उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तो एक पहचान वाले के साथ पड़ोसी के साथ कौन बंद कमरे में जाता है ये बताओ। तो इन लोग खुद ही प्रूफ कर रहा है ये के सितारा का और एजाज का नाजायज रिश्ता था जिससे उसकी एक बेटी भी पैदा हुई। ठीक है, ये सपोर्टर है या हेटर है वो आप लोग खुद तय करें, सितारा के सपोर्टरों को कह रही हूँ आप लोग खुद तय करें कि ये है कौन। और जाहिर सी बात है इन लोग के सितारा के बिहाफ पे इन लोग बात करते हैं, और अगर इसने ऐसी बात किया है तो सितारा की तरफ से ये प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि सितारा का और एजाज का रिश्ता था, जो सितारा के सपोर्टर मतलब ये साबित करने में लगे रहते हैं कि एजाज सिर्फ और सिर्फ सितारा को बदनाम करने के लिए आया है, उसको लाया गया है और वो कोई एक कैरेक्टर है, और उसका और सितारा का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। तो अब घुमा फिरा के फिर इन लोग खुद ही क्यों सितारा का और एजाज के रिश्ते को पक्का साबित कर रहे हैं, मतलब इन लोग खुद ही प्रूफ कर रहे हैं ना कि जो बातें हमने की है वो बातें सच्ची है। अच्छा, ये जो कमरे वाली और थप्पड़ वाली बात है ना ये भी मैं क्लियर करती हूँ कि ये मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि सितारा है ना गोंचू से हैंडल नहीं होती, तो गोंचू ने फोन करके एजाज को बुलाते रहता है ना जब इससे हैंडल नहीं होती, तो लास्ट टाइम पे ना सितारा को एजाज ने थप्पड़े मारा था क्योंकि वो है ना बहुत ज्यादा बेगैरती पे आ गई थी और इतना ज्यादा मतलब खुलेआम कॉलगर्ल बन के घूम रही थी, इसके लिए इसका और एजाज का कोई चीज के ऊपर बहस हो गई और एजाज ने ना सितारा को पीट दिया था ताकि वो काबू में आए, तो फिर वो आ गई थी काबू में, लेकिन फिर बाद में एजाज ने छोड़ दिया, ये कह दिया कि ये अब सारे गांव की चटी हुई औरत है तो मुझे नहीं चाहिए, फिर एजाज इससे रिश्ता खत्म कर दिया। तो ये थी रियल स्टोरी जो ये डॉग ने बताया है कि एजाज को सितारा ने थप्पड़ मारा था, तो सितारा ने नहीं मारा था, सितारा ने थप्पड़े खाए थे, एक नहीं बहुत सारे थप्पड़े, तो ये थी सच्चाई। तो मैं तीसरा पैनल बनाऊंगा जी, अगर पैनल ही बनाना पड़ा ना तो फिर पैनल बनेगा वो जाहिद खान का, नैना अकबर का और शाहरुख का जी, ये तीसरा पैनल होगा, जब ये तीसरा पैनल बोले ना तो फिर ये सब ये मुंह बंद कर दे, और उसमें हिजाज शाह भी आएगा। ठीक है, और हिजाज शाह से पूछा मैंने, हिजाज शाह कल उसे लाइव में क्या बोला कि मैं ही वो बनने थी जो हिजाज शाह को कसम खुदा की मिन्नत है करती हूँ, मैंने कहा हिजाज भाई ना बोलो, मैंने कहा कोई बात नहीं करना, मैंने कहा कोई सितारा के खिलाफ कोई बात नहीं करना, मैंने कहा मत करो, मैंने कहा वो मेरी खाला है, मुझे गंदा बोल रहे जाहिद भाई, मुझे गंदा बोल रहे हैं, बताए मैं कहाँ गंदी हूँ, कहाँ गंदी हूँ मैं, किस बात की मुझे सजा दे रहे इन लोग। मैं
का कैम मैं यो करूंगा नैना कि मैं एक दो दिन तक मैं कराची आ जाता हूँ। मुझे साथिया कल कह रही थी कि आप टिकट पकड़ो, मैं टिकट के पैसे भेज दी, आप कराची जाओ। ठीक है, ये बैग का कैम पता क्या है, ये मैस बहुत ज्यादा फैल रहा है। सही है, अभी इजाज़ शाह वाला भी मसला अपने हाथ ना किया तो ये बहुत गंदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इजाज़ शाह चाहता ही नहीं है कि वो सामने आए, वो कह रहे हैं कि ना ये बैग द कैमरा ही सब कुछ हो जाए, लेकिन ये ना कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये खुद जा रही है। आपके साथ साजिद ने खुद कहा है ना कि उसको ये कंट्रोवर्सी सामने लेकर आने की, क्योंकि पैसे कमाने, वो मुझे भी यही कहते कहते ना तुम लोग लड़ाई करो, हम लोग लड़ाई करते हैं तो हम इसे पैसे कमाया करेंगे, यकीन करें। ये पहले मैं साजिद बोला था, कहता मैं और नदीम लड़ाई करेंगे तो कंट्रोवर्सी चलेगी, हम फिर पैसे कमाएंगे, ये मामला साजिद के अल्फाज हुआ करते थे। क्या यार, ये क्या जिंदगी है, क्या लोग हैं ये? जी आप लोग ऐसे अपने खप में मरे जा रहे हो, मैं बता रही हूँ ना कि ये वो कहानी हुआ करती थी सबसे ज्यादा मामू साजिद। तो जो लोग कहते हैं ना कि बच्चियों के नाम मत लो, नाजायज रिश्ते को डिस्कस मत करो, तो अभी साबित हो गया कि जो गोचू है ना वो नहीं चाहता कि बैक कैमरा कुछ भी शॉर्ट आउट हो और सारा कुछ है ना वाईटी पे ही रहे, गंद मचे और लोग डॉलर छाप सके। खैर हम तो सितारा के सपोर्टर नहीं है, तो हम क्यों ये सब चीज़ों को, बैक कैमरा सॉल्व हो और गंद ना मचे, हम क्यों ये सब सोचे। इनको खुद को सोचना चाहिए, वो अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने घर की इज्जत के बारे में नहीं सोच रहा है साजिद, और अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा है, तो हमें तो हेटर का नाम दिया गया है तो हम क्यों सोचे। तो खैर ये बात तो दूसरी हो गई। आप लोगों को याद होगा कि डॉग ने ना वीडियो बनाई थी और सेम टू सेम यही सारी बातें डॉग ने वीडियो बना के डाली थी, और उसने सच में वो वीडियो बनाई थी। बाद में उसने कह दिया कि जैसे ये लोग पता है ना खुद की असलियत दिखा देते और फिर कह देते हैं कि मैंने दाना डालने के लिए ये किया था वो किया था, बाकी सच्चाई तो गोंचू को भी समझ में आ गई है, इसीलिए अब हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेहरबानी करो हमारे लिए वीडियोस मत बनाओ, हमारी सपोर्ट मत करो। क्योंकि जो इसने वीडियो डाला था ना कि साजिद बहुत गंदा है, अपनी बच्ची को गंदा कर रहा है और बैक कैमरा ख़त्म नहीं करना चाहता है, वो कुछ चाहता है कि सारा कुछ है ना वाईटी के ऊपर ही होना चाहिए ताकि हम डॉलर छाप सके, तो वो वीडियो ना एकदम ठीक बनाई थी और उसने अपने से बनाई थी। उसके दिमाग में, डॉग के दिमाग में ये सब नहीं था कि मैं कल को पलट जाऊंगा और ये कहूंगा कि दाना डालने गया था, वो सच में वीडियो बनाया था। खैर बोलती हूँ ना मैं हमेशा कि अच्छी चीज़ों के लिए ना ऊपर वाला चुनता है इंसान को, तो इन लोग खुद ही नीयतें इनकी अच्छी नहीं है, इसके लिए अच्छी चीज़ों के लिए ऊपर वाले ने इनको नहीं चुना है, इनको सिर्फ और सिर्फ गंदगी के लिए चुना है, इसके लिए लोग फिर से गंदगी की तरफ ही चले जाते हैं। और अभी तो साफ समझ आ रहा है, दो तीन वीडियो जो इसने डाला है ना उसके बाद में साफ समझ में आ गया है गोचू के और पिटारा के कि ये ब्लैकमेल करता है, कभी हमारे सपोर्ट में वीडियो डालता है तो कभी हमारे खिलाफ वीडियो डालता है, और वो वीडियोस में सब हर एक बात में ना इसकी सच्चाई थी, इसके लिए लोग समझ गए कि हाँ हमारी सच्चाई उगल रहा है ये, इसके लिए उन लोगों ने फिर हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि मेहरबानी करो हमारे लिए वीडियोस मत बनाओ। यही बात एजाज शाह वाली बात को लेके, तो वो जो भी बंदा है उसकी जो भी कहानी वाईटी पे आई है सारी की सारी सच्ची है और उसमें कोई भी झूठ नहीं है, और उसकी बेटी को लेके भी जो बातें हुई है, जो सच्चाई सामने आई है उसमें भी थोड़ा सी भी झूठ नहीं है, सारा कुछ सच है। और वो सितारा के सपोर्टर भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि सारों ने उसे कॉन्टेक्ट करके ये चीज़ को कन्फर्म किया है कि ये बात सच है या झूठ है, इसीलिए ना इन लोग रह रह के ब्लैकमेल भी कर लेते हैं, रह रह के शाउट आउट भी लेते हैं। मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है, अभी शायद मैं नहीं समझता कि मैं आप लोगों को ये बात दोहराऊं। नहीं नहीं ठीक है, मुझे शाहरुख से एक बात पूछनी है पर्सनली। शाहरुख जी, शाहरुख भाई आपको पता है मैं कराची आया था क्राउन होटल में, ठीक है, यानी ये रियलिटी है ना, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। मैं उस क्राउन होटल के अंदर दो दिन रुका हूँ, 48 आवर्स पूरे। वहाँ पर एक लाहौर का लड़का मैनेजर था, मैंने उस मैनेजर को काबू किया, यानी उसको डिनर वगैरह कराया, उसको 10-20 हज़ार रुपया दिया। जरिए पता है ये मुलाजिम पेशा लोग होते हैं, ये इतने पैसों पे बिक जाते हैं, सही है। फिर वो जो XLi थी ना ब्लैक कलर की, क्राउन होटल की एक अपनी जाती गाड़ी है जो अपने जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ करते हैं पैसों ही लेके, उस
इसके ड्राइवर से भी मेरी मुलाकात हुई है। शाहरुख भाई, जहाँ तक मैंने उस होटल को सर्च किया है ना, ब्रो वहाँ पर सितारा नहीं थी, ये रॉकेट साइंस क्या है? ये वॉइस है ना, इसने अपनी वीडियो में चलाई और ये जताने की कोशिश की कि वहाँ पे ना ही तो एजाज शाह आया था और ना ही तो असगर आया था, ना ही सितारा वो होटल में गई थी। तो इसकी सच्चाई क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो होटल में ना अक्सर सितारा और एजाज जाया करते थे। वहाँ का जो मैनेजर है वो एजाज का बहुत ही खास दोस्त है, तो उन लोगों को मतलब एजाज संभाल लेता था ना, वो मैनेजर के थ्रू संभाल लेता था आईडी वाईडी वगैरह, ये वो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो मैनेजर मैनेज करके और इनको रूम दे देता था। और इन लोगों ने एक दो बार नहीं, तकरीबन 10-12 साल से वो होटल को इन लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसी तरह से ना, ये जब क्या बोलते हैं असगर भाई गए थे ना, तो इसने वही होटल का दे दिया था ताकि ये वहाँ पे जाती रही है, वो होटल के बारे में इसको अच्छे से पता है। तो वो होटल में इसने बुकिंग वगैरह करवा दी थी और जब ये गई है वहाँ पे तो इससे आईडी कार्ड मांगा गया और इसने जब आईडी कार्ड नहीं दी, क्योंकि ये पूरा मुंह सब लपेट के गई थी, आईडी कार्ड जब इसने नहीं दी ना तो इनको होटल से निकाला गया। क्योंकि शाहरुख को नहीं पता था ना कि एजाज आया हुआ है, शाहरुख को ये नहीं पता था कि असगर आया हुआ है, उसको लगा एजाज आया है। तो इसके लिए शाहरुख ने एजाज का पूछा तो उसने मना कर दिया कि एजाज नहीं आया हुआ है और इनको होटल से निकाल दिया। हालांकि जब इन लोगों को होटल से निकाला, उसके बाद में फिर जब मैनेजर को पता चला कि ये एजाज की जो आइटम है वो आई हुई थी एजाज के लिए, तो उसने एजाज को इन्फॉर्म किया और बताया, उसने बाद में बताया कि सितारा आई हुई थी, तब जाके एजाज को असलियत पता चली कि ये होटल में रात बिताने के लिए किसी और बंदे के साथ पहुंची हुई थी, तब जाके हुए थे इनके हाथापाई वाले लफड़े। तो ये थी सारी सच्चाई, इसने आगे पीछे की क्लिप नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ जो इसके काम की और इसके फेवर में आती है ना वो क्लिप लगाया इसने खुद को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसने अच्छा खासा तो सितारा को गंदा कर चुका था। मतलब वही वीडियोस बना के घोंचू के खिलाफ, सितारा के खिलाफ, वो सब वीडियोस बना के इसने सितारा को अच्छा खासा गंदा कर चुका था। लेकिन अब इसको बैग भी तो आना है ना, इसके लिए इसने सिर्फ वही क्लिप लगाई जो ये जताना चाहता हो कि सितारा अच्छी है और नैना गलत। तो मैं यहाँ पे नैना की सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही तो मैं सितारा की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन लोग ये कहेंगे कि नैना ऐसी है, नैना वैसी है, आप नैना की सपोर्ट में क्यों वीडियोज़ बना रही है? तो मैं नैना की सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। अगर मुझे मौका मिलेगा नैना, अगर मौका देंगी ना, तो मैं नैना के ख़िलाफ़ भी वीडियो बनाऊंगी, मैं उसकी अम्मी के ख़िलाफ़ भी बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि जब ये लोग कोई प्रोपोगंडा करते हैं किसी को फंसाने के लिए, तो मैं उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। तो मैं वैसे ही नैना की सपोर्ट में बना रही हूँ, लेकिन मैं नैना के साथ नहीं हूँ और ना ही तो मैं नैना के ख़िलाफ़ हूँ। ये जिस तरह से गेम खेल के खुद अच्छा बन के नैना को फंसा के जानी औरत को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वजह से फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी नैना को सारा कुछ पता है, नैना ने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, सारा कुछ पता है, फिर भी नैना चुप है। और उसके बाद भी उसकी इन लोगों ने बदनामी की हुई है, इसे धुलाई कर रहे हैं उसकी,
और उसे गालियां खिलवा रहे, बदुआएं खिलवा रहे, पूरे खानदान से उसको निकाल के फेंक दिया गया है। जिसने जीना किया है, जो असल गुनहगार है, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जिसके साथ में हुआ है और जो उसका क्या कहते हैं देखा हुआ, जैसे सबूत सबूत के तौर पे नैना और शाहरुख है, इनको सजा मिल रही है। कहो आप लोग, ये कितना अनफेयर है ना। मतलब ये दोनों मियाँ बीवी, शाहरुख और नैना, है सबूत है इस बात के कि ये एक हफ्ते तलक के मुंह काला करने जाती रही है और असगर के साथ में गई है। इसका मतलब साफ है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि सलमा के साथ में जुलूम हुआ है। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को ही गलत साबित करके सितारा को अच्छा साबित करके रखा है। तो वीडियो बनाना तो फिर मेरा बनता था ना। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।